हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आज की यहाँ पे अपडेट है माइंडट्री की तरफ से। ये एलेंटिक ग्रुप कंपनी की है और यहाँ पे एलेंटी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लार्सन एंड टर्बो। तो इसकी कंपनी माइंडट्री है, इसके अंदर अपडेट आई हुई है। वीडियो को आप एंड तक देखना, काफ़ी बढ़िया अपडेट है। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, पैकेज भी अच्छा है, 4 लाख पर एनम का। सो एंड तक वीडियो को देखिए, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कैसे अप्लाई करना है, प्रोसेस क्या रहेगी, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ही अप्लाई करना है, तो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करना, अगर आपको करियर गाइडेंस एंड जॉब अपडेट्स के रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस चाहिए। इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे पोस्ट कौन सी है और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा अप्लाई करना है या नहीं करना है। लेकिन एक छोटे से रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। आपके दोस्त अगर जॉब फाइंड कर रहे हैं तो उनको भी बताइए, वीडियो शेयर कीजिए, इससे उनकी हेल्प हो जाएगी और हमें थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर C1 कैटेगरी में यहाँ पे पोस्ट अनाउंस की हुई है माइंडट्री के अंदर। अब आप छोड़ने का सोच रहे होंगे वीडियो को, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कब छोड़ना है। आप पहले पूरा क्राइटेरिया तो सुन लो। यहाँ पे इन्होंने सारी ब्रांचेस को अलाउ किया हुआ है, BE.Tech, MEM.Tech, MCA, फुल टाइम या रेगुलर कोर्स अगर आपने किया है आप एलिजिबल हो। अब आप में से जो BE.Tech नहीं किए, दूसरी फील्ड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी मेरे पास कुछ है। यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा रीलेवल प्लेटफॉर्म। आगे भी काफ़ी बार बता चुका हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो रीलेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्रेशर्स और कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज को इन्होंने अपने साथ जोड़ा है और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स भी है, और अभी तक इन्होंने काफ़ी जॉब्स भी प्रोवाइड कर दी हुई है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है, यहाँ पे आपको कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे फीस नहीं लगती है। और इन्होंने जो है एक ही जगह पे फोकस नहीं किया, मतलब टेक पे ही नहीं किया है। 10 कैटेगरीज है जिसमें आप अपनी पसंद से रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पे वेब एंड्रॉइड भी टेक हो गया, सेल्स, HR, ऑपरेशन, ये नॉन टेक। इसमें यहाँ पे आपको टोटल, यहाँ पे टोटल कुल मिला के 10 कैटेगरीज मिल जाती है। बस आपको रीलेवल टेस्ट को क्वालिफाई करना होगा, उसको आप अपने हिसाब से बुक कर सकते हो ऑनलाइन, जो कि फ्री ही है। और आपको यहाँ पे रीलेवल टेस्ट को क्वालिफाई करना होगा। मिनिमम गारंटीड पैकेज जो है 4 लाख पर एनम, नॉन टेक एंड टेक के अंदर 6 लाख पर एनम है। ये गारंटेड पैकेज के लिए ये कोई भी फीस चार्ज नहीं कर रहे, ना ही आपकी कॉलेज मैटर करती है, ना ही आपके परसेंटेज मैटर करता है। तो काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे ग्रोथ भी रहता है। मैनेजर और डायरेक्टर या बन सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कहूँगा कि आप 2-3 साल में बन जाओगे, लेकिन आगे आपको ग्रोथ मिल सकती है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन की, बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है। और यहाँ पे टॉप आते हो तो आपको गुडीज़ भी मिलेंगे, जो कि टॉप रीलेवल जो जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनको मिले हैं, तो ऐसे आपको भी मिल सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर से चेक कर लेना। हर किसी के लिए मैं हर किसी को सजेस्ट करूँगा। नाउ कंटिन्यू करते हैं अपडेट की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप BE.Tech किसी भी फील्ड से हो, किसी भी ब्रांच से हो, आप रजिस्टर कर सकते हो। 60% आपके होने चाहिए, 10th एंड 12th में भी 60% होने चाहिए, बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। 2020 and 2021 पास आउट्स यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, 2022 के लिए नहीं है। लेकिन सब्र रखो, अभी आप जैसे ही पास आउट होगे ना तो इसकी अपडेट आ जाएगी। अब पैकेज की बात करें तो 4 लाख पर एनम आपको यहाँ पे पैकेज मिलेगा, और ट्रेनिंग के दौरान आपका जो स्टाइपेंड होगा 26,000 पर मंथ होगा, जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर का होगा, सर्विस एग्रीमेंट किसी भी तरीके का नहीं है, ये भी इन्होंने बता दिया है। और आपको जो है इनकी पॉलिसी के अंदर यहाँ पे प्रमोशन भी मिलते रहेंगे, सो है ना बहुत अच्छा। और इन्होंने जो है C1 ग्रेड में यहाँ पे जो है अभी रखा हुआ है, मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो पोस्ट है वो अभी C1 में रहेगा। अब होगा इनका कोई, इन्होंने ऐसा हायरार्की सेटअप किया होगा। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लेते हैं, और इसकी कोई अप्लाई करने की फीस भी नहीं है, तो आप इसका ध्यान रखना, कोई फीस मांगता है तो मत पे करना। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर कोडिंग टेस्ट होगा, टेक्निकल डिस्कशन होगा, HR इंटरव्यू होगा, दैट्स इट। और एप्टीट्यूड टेस्ट, कोडिंग टेस्ट आपका ऑनलाइन रहने वाला है, टेक्निकल डिस्कशन, HR इंटरव्यू ये आपका वर्चुअल रहेगा। तो आपको कहीं जाना नहीं है, घर बैठ के अप्लाई करना है, घर बैठ के इंटरव्यू देना है। अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाते हो तो मे बी आपको यहाँ पे बुलाया जाए, या फिर घर से ही आपको काम करना होगा। सो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और सबसे अच्छी बात, फीस नहीं रहती है प्राइवेट कंपनी में, कहीं पे भी आपको फीस पे नहीं करनी होती है। और इसकी लास्ट डेट जो है बहुत ही करीब है, यहाँ पे इसकी लास्ट डेट 18th February है, जो कि बहुत ही करीब है। आपको जितना जल्दी हो सके अप्लाई करना होगा, क्योंकि ये स्टार्ट भी बहुत ही लेट से हुई है, मतलब कि ये आती है जब भी तो 1 हफ्ता ऐसा टाइम मिलता है। सो यहाँ पे आपके पास टाइम कम है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा और जल्दी जितना हो सके अप्लाई कर देना होगा।
लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पे सारी इंफॉर्मेशन लिखी एज वेल एज ऑफिशियल अप्लाई करने की लिंक भी मिल जाएगी, और मैंने री लेवल की भी लिंक दी हुई है, वो आपके लिए हमेशा अभी ओपन ही रहेगी अनलेस यहां पे कोई चेंज नहीं आता है, तो वहां आप कभी भी रजिस्टर कर सकते हो। दोनों चीज़ें हैं, दोनों में रजिस्टर कीजिए अगर आप एलिजिबल होते हो। मैं यहां पे कहूंगा कि जहां अपॉर्चुनिटी दिखती है आप एटलीस्ट अप्लाई कर दो और एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक जरूर से कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।